डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आज क्लास में। आज हुआ है संस्कृत का परीक्षा फर्स्ट सीटिंग में। तो फर्स्ट सीटिंग के जिसका सेट कोड है ए, इसके सारे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। आप मिला लीजिए कितना सही है, और मिला के हमें कमेंट में बताइए कि आपने कितना सही किया है। चैनल को और सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं। आपका कोई भी सेट हो, कोई टेंशन लेने का नहीं, यहाँ पे मिला लीजिए आराम से। पहला प्रश्न बोल रहा है सत्य का मुंह किससे ढका है, तो सत्य का मुंह किससे ढका है, हिरमणे या पात्र से, तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है, तो यह राइट आंसर हो जाएगा कठोप, यहाँ पे मुंडकोपनिषद, यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है ध्यान से देखिए, यहाँ पे किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं चार नंबर प्रश्न है सिखों के 10वें गुरु कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह जी थे, तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। पांच नंबर प्रश्न ध्यान से देखिए, पांच नंबर प्रश्न है पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी, तो बिहार की थी, यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है सबसे बड़ा शत्रु कौन है, तो क्रोध है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी, तो चार थी, तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। आठ नंबर प्रश्न है आलस कथा पाठ के रचयिता कौन है, तो विद्यापति, यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। ऋग्वेद में कितनी महिला ऋषि ऋषिकाओं का वर्णन है, तो 24 है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। 10 नंबर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए ताकि और स्टूडेंट के पास पहुंच सके। 10 नंबर प्रश्न है शंकर चरित्र के रचनाकार कौन थे, तो पंडित छमाराव, यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न है किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है, तो भारत की, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगला प्रश्न है भारत की शोभा से कौन प्रसन्न है, तो भारत की शोभा से हमेशा ईश्वर प्रसन्न है, तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। सैशव संस्कार कितने होते हैं, तो सैशव संस्कार कितने होते हैं, चार होते हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न ध्यान से देखिए। 14 नंबर प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है चरित्र का निर्माण किससे होता है, तो संस्कारों से होता है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। 15 नंबर प्रश्न देख लीजिए, अंत्योदिष्ट संस्कार कब होता है, तो मरने के बाद, यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है, तो विवाह, यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। 17 नंबर 17 नंबर प्रश्न है नीति श्लोक पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है, तो राइट आंसर हो जाएगा उद्योग पर्व, यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। 18 नंबर 18 नंबर प्रश्न है महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का सुमुचक उत्तर कौन देता है, तो राइट आंसर हो जाएगा मंत्री विदुर, यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अपृष्टो बहु भाते किस पाठ की युक्ति है, तो नीति श्लोक की है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। 20 नंबर प्रश्न है ध्यान से देखिए, 20 नंबर प्रश्न है परम तृप्ति देने वाली क्या है, तो राइट आंसर है विद्या, यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है किस करमवीर कौन था, तो राम प्रवेश राम, यानी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है लक्ष्मी किसका वरण करती है, तो उद्योग पुरुष की, तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है ध्यान से देखिए, ये व्याघ्र पत्रिका कथा किस ग्रंथ से उद्धत है, तो हितोपाद, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं 24 नंबर प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या है, तो मूल शंकर, यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जो नए हैं जो सब्सक्राइब कर लिए हैं वो नहीं करेंगे
जो नए हैं वो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। स्वामी दयानंद की शिक्षा की शुरुआत किस भाषा से हुई थी? तो ये हुई थी संस्कृत से। तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया था? तो मंदाकिनी नदी। यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न, 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है, ध्यान से देखिए। बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था? तो सोने का कंगन था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न, ध्यान से देखिए। 28 नंबर, दानवीर कौन था? तो कर्ण था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये देख लेते हैं अगला प्रश्न, 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है, ईर्ष्या और असहिष्णुता किसको उत्पन्न करती है? तो हमेशा अशांति को उत्पन्न करती है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चैनल को जो नए हैं वो सब्सक्राइब करके प्लीज बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, राइट आंसर। अब देखिए 30 नंबर प्रश्न, कर्मकांड का वर्णन करने वाला ग्रंथ है? तो राइट आंसर हो जाएगा कल्प। यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये देख लेते हैं अगला प्रश्न, 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न है, ध्यान से देखिए, मनोरथ का संधि विच्छेद क्या है? तो मन जोड़ रथ। यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 32 नंबर, महाजोड़ ईस का संधि विच्छेद क्या है? तो महेश। यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये देख लेते हैं अगला प्रश्न, अ जोड़ ई के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न, 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न है, ध्यान से देखिए, भाग्योदय में कौन सी संधि है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा गुण। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न, ध्यान से देखिए, 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न है, लंबोदर में कौन सा समास है? तो बहुव्रीहि। यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न, 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे देखिए, एकम एक इति का समस्त पद क्या है? तो एकाएक। तो यहाँ पे राइट आंसर एकाएकम। यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये देख लेते हैं अगला प्रश्न, ध्यान से देखिए, तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा धनहीन। यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, चरा चरम में कौन सा समास है? तो द्वंद है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 39 नंबर, दानार्थे चतुर्थी चतुर्थी सूत्र का उदाहरण है? तो माता रमेशाय भोजनाय यच्छति। यहाँ पे ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं 40 नंबर प्रश्न। 40 नंबर प्रश्न है, सपाद की योग में किस विभक्ति कौन सी विभक्ति लगा होता है? तो पंचमी। यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न, 41 नंबर। 41 नंबर प्रश्न है, गृहत बहि उद्धाम अस्ति, यहाँ रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त है? तो पंचमी भी यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अलम मत करो के अर्थ में कौन सी विभक्ति है? तो तृतीय विभक्ति है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा बी। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये देख लेते हैं अगला प्रश्न, ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न 43 नंबर। 43 नंबर प्रश्न है, किस में परि उपसर्ग है? तो परिहार में। यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं 44 नंबर प्रश्न। 44 नंबर प्रश्न है, प्रत्यास शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका प्रति। यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न, ध्यान से देखिए। ये भू धातु के लोट लकार मध्य हम पुरुष का एक वचन रूप कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे भव। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, भव। तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये देख लेते हैं अगला प्रश्न, ध्यान से देखिए। 39 नंबर प्रश्न है, अलिखित में किस प्रकार का लकार का रूप है? तो लड। यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, पचेत किस धातु का रूप है? तो पचा। यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अकुर्वन में कौन सी धातु है? तो कौन सी है, क्री। यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मतीसु में कौन सी विभक्ति है? तो सातवीं। यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भव किस शब्द का रूप है? तो भू। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न है, लता शब्द के तृतीय बहुवचन का रूप है? तो कौन सा है, लभाती। यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 52 वच वक्ता से कौन सा शब्द बनेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा वक्ता। यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सहनीय में कौन सा प्रत्यय है? तो
तो राइट आंसर हो जाएगा अनियर, यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न, 54 नंबर। 54 नंबर प्रश्न है, श्रीमान में कौन सा 33 प्रत्यय है? तो राइट आंसर हो जाएगा मत्तूप, यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है लौकिक में कौन सा प्रत्यय है? तो लौकिक में कौन सा प्रत्यय है ईक, तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है ध्यान से देखिए 56 नंबर, मित्र तल में कानिस्पत्र रूप है? तो राइट आंसर हो जाएगा मित्रता, यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ये देख लेते हैं अगला प्रश्न, त्रय रचिता खाली स्थान में उचित विकल्प होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा मृग, यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ये देख लेते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है सुश्रुतुमुन का निष्पत्र रूप क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा सूत्र, यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ये देख लेते हैं अगला प्रश्न, 58 नंबर, 58 नंबर प्रश्न है वृद्धि का प्राकृतिक प्रत्यय क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, वृद्ध जोड़ वक्त, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए। 60 नंबर देख लेते हैं, शब्दावली कैसा समास है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे द्वंद, यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो चैनल को फटाफट, नए हैं जो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, मिलते हैं कुछ ऐसे ही वीडियो में नेक्स्ट टाइम।